2 मिनट में घर पे छल्ली से पॉपकॉर्न बनाने की ऐसी टेक्निक दोस्तों आज हम आपको बताएंगे, जिससे कि आप अपने घर पर बड़ी आसानी से पॉपकॉर्न बना सकते हो और वो भी फ्री में। वो बनाने की विधि क्या है, देखिए दोस्तों। सबसे पहले आपने ये छल्ली लेनी है और छल्ली बिल्कुल साफ छल्ली होनी चाहिए, जिसमें दाने बिल्कुल बहुत ज्यादा हो। देखिए इस तरीके की आपने एक छल्ली लेनी है। आपने क्या करना है कि जो छल्ली आप ला रहे हो मार्केट से, उसके ये छिलके होते हैं, जो ये जो दाने होते हैं वो दाने बिल्कुल करड़े होने चाहिए। और उन दानों को आपने इस तरीके से, आपने एक किसी भी प्लेट में इसको निकाल लेना है। और इस तरीके से दोस्तों ये पॉपकॉर्न जो आपको बनाने दिखा रहे हैं, ये इतनी अच्छी तरीके से आपको स्वाद लगेंगे खाने में। ये बिल्कुल दाने इसमें से जो भी आपको कपाड़ा दिख रहा है, जो भी आपको इसके ये रुए है दिख रहे हैं, इसको निकाल लेना और साफ कर लेना। और ध्यान देना है कि ये बिल्कुल सूखी हुई छल्ली हो। और इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पर एक गैस चलानी है। देखिए ये देखिए दोस्तों, हमने एक बर्तन में इसको डाल लिया है। अब इसके बाद इसमें आपने क्या डालना है, ये देखिए हमारे पास ये है हल्दी। इतनी ही चुटकी भर आपने हल्दी इसके अंदर डालनी है और ये ऐसा पॉपकॉर्न तैयार होगा बनके कि बहुत ही अच्छा होगा। पॉपकॉर्न दोस्तों एक ऐसा स्नैक है जिसे हर कोई खाना पसंद करता है। पॉपकॉर्न स्वाद ही नहीं बल्कि है कि ये सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है दोस्तों। इसे हर कोई, इसके लाभ भी बहुत ज्यादा है। अगर लाभ की बात करें, इसके फायदे की बात करें, अब इसके बाद देखिए हमने इसमें नमक भी मिला लिया है। हमने इसमें नमक और ये हल्दी मिलाने के बाद तीसरे नंबर पे जो डालना है, ये देखिए हमारे पास है ये देसी तेल, शीशम का तेल जिसे बोलते हैं। आपने क्या करना है, एक एक चम्मच इसमें भर के ये डाल देनी है और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें मेल्ट कर देना है। इस तरीके से देखिए आपने मेल्ट करना है और ये भूनने में दोस्तों आपको खाएंगे तो इतने स्वाद लगेंगे, आप खाते खाते याद करोगे कि किस तरीके से, कितने अच्छे तरीके से आप, बिल्कुल अच्छी तरीके से आप वीडियो में देखकर इसे अपने घर पर बना सकते हो। देखिए दोस्तों हमने ये गैस ऑन कर दिया और गैस चलाने के बाद दोस्तों हमने ये कुकर इस पर रखा हुआ, जो कि पहले से ही रखा हुआ है, गर्म हो चुका है। तो टाइम का समय बचाते हुए क्या करेंगे, अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए देसी तेल है, जो शीशम का तेल है, एक चम्मच हमने इस जो कुकर है, इस कुकर के अंदर आपने डालनी है ऐसे करके। ये देखिए एक चम्मच आपने इसके अंदर, कुकर के अंदर इस तरीके से डाल दिया। और डालने के बाद दोस्तों अब देखिए, अब थोड़ी देर में हमारा ये तेल बिल्कुल गर्म हो जाएगा। तो इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, जैसे ही देखिए हमारा ये तेल गर्म हो चुका है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो भी आपने पॉपकॉर्न, ये मक्की के दाने जो निकाले हैं, छल्ली के दाने, आपको क्या करना है इसके अंदर डाल देने हैं और इस तरीके से डाल देने हैं। और दोस्तों अगर इसकी पॉपकॉर्न खाने में तो स्वाद होता ही है, अगर इसके फायदे की बात करें दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब दोस्तों क्या करना है, शायद मेरे ज़्यादा रोस्टेड हो चुके हैं, इसके बाद थोड़ा सा तेल, और हम ये तेल हमारे पास, ये जो शीशम का तेल है, इसको थोड़ा हम इसके अंदर डालेंगे। और ये डालने के बाद दोस्तों देखिए इसको भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। ये देखिए यहाँ पर इसमें धुआं उठ चुका है, अब इसको ढक्कन को बंद करना है। इस तरीके से आपने ढक्कन को बंद कर देना। तो दोस्तों ये देखिए अभी थोड़ी देर में आपके सामने कितने अच्छे बनकर तैयार होते हैं। और दोस्तों खाने में एक स्वाद तो लगती है, स्वाद के साथ साथ ये हमारे कितने ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, जैसे हमारी हड्डियों तक को मजबूत करते हैं और हमारे बीपी को बैलेंस रखते हैं। और पॉपकॉर्न में काफ़ी मात्रा में फाइबर मौजूद होने के कारण इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। देखिए ये अभी आपके सामने दिखाते हैं कितने बढ़िया तरीके से, अब आपके सामने ये दिखाते हैं बनकर तैयार हो चुके हैं। और तनाव वगैरह की जो भी समस्या होती है, वो भी समस्या दूर हो जाती है। ये देखिए अभी आपके सामने दिखाते हैं हम इसको किस तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप खाकर ये कहोगे कि दोबारा फिर इसी को इस तरीके से बनाना है। देखिए दोस्तों देखते हैं इसके अंदर कि कुछ कड़कड़ की आवाज आनी शुरू हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों कितने अच्छी तरीके से भून चुके हैं और हमारे नीचे भी खिंच चुके हैं, देखिए यहाँ पर फूल कर। और ये इतना अच्छा तरीका है दोस्तों, अभी आपके सामने दिखाएंगे इनको निकालकर कितने अच्छे तरीके से हमारे भून चुके हैं और तकरीबन सभी भून चुके हैं, और इसका टेस्ट भी देखेंगे अभी। ये देखिए दोस्तों अब हम इसको पॉपकॉर्न को जो हमने बनाया इसको निकाल के दिखाते हैं अभी आपके सामने, और कितना अच्छा स्वाद, कितना बढ़िया, देखिए खुशबू आ रही है इसमें, नमक की खुशबू। और ये कितने अच्छे तरीके से भून चुके हैं दोस्तों और गर्मा गर्म है। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों आप अपने घर पर बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छी तरीके से ये पॉपकॉर्न आप अपने घर पर ही भून सकते हो, बना सकते हो। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है, ये सेहत के साथ साथ दोस्तों हमारे स्वास्थ्य को भी बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं और हड्डियां वगैरह मजबूत करते हैं, जैसे मैंने इसके फायदे बताए हैं।
अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद आया तो जो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अन्य लोगों तक भी दिखाएं वीडियो देखने के लिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप वीडियो को पूरा देख लेना, तब तक मैं इस पॉपकॉर्न का टेस्ट चेक कर लेता हूँ।